नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 5 जनवरी 2021, दिन मंगलवार। रोजाना की तरह जानेंगे आज भी हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज येलो अलर्ट, अटल टनल दूसरे दिन भी बंद। येलो अलर्ट के बीच सोमवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि रोहतांग, भरमौर, पांगी, होली, किहार और तीसा की ऊपरी चोटियों में ही ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग सोमवार को दूसरे दिन भी आवाजाही के लिए बंद रही। मंगलवार को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 72,000 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, 11 को होगा राज्य स्तरीय ड्राई रन। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 3 जगह टीकाकरण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की राज्य स्तरीय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। 11 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर पहले से चिन्हित 700 स्थानों पर टीकाकरण के लिए ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को टीका लगाने और किसी विषम स्थिति के बनने पर कैसे कार्य करना है और मरीज को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। अनुसूचित जाति के 5 करोड़ विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है। झंडूता विश्व क्षेत्र के विधायक GR कटवाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने करीब 59 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए यानी 60% खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों की ओर से खर्च किया जाएगा। पोंग झील में फ्लू से हुई सैकड़ों विदेशी पक्षियों की मौत, कांगड़ा में चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक। पोंग झील में विदेशी पक्षियों के मरने के बाद पालमपुर और जालंधर से रिपोर्ट आ गई, इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि भोपाल से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि यह फ्लू का कौन सा प्रकार है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी। उपायुक्त ने पोल्ट्री फार्म में विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के 4 उपमंडल इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली व देहरा में मुर्गा व अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये 4 उपमंडल पोंग बांध से सटे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने यह अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के विशेष गर्ग ने कैट में हासिल किए 99.99% अंक, सुंदर पिचाई से हुए प्रेरित। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के छात्र विशेष गर्ग ने कैट की परीक्षा में 99.99% अंक हासिल कर न केवल शहर बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। विशेष की इस उपलब्धि से प्रदेश के लोगों में खुशी का माहौल है। विशेष गर्ग सोलन के सेंट्रल स्कूल से पढ़े हैं। इसके बाद NIT हमीरपुर से BTech इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया। सरकारी नौकरियों में आवेदन की आयु में दी जाए राहत। NSUA राज्य सचिव रजत सिंह राणा और बादल सक्सेना ने उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति के माध्यम से राज्यपाल प्रदेश को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकारी नौकरियों में आवेदन की आयु में कम से कम 1 साल की राहत दी जाए। राज्य सचिव रजत राणा ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से बहुत से युवा एक निश्चित आयु सीमा से ऊपर चले गए हैं, जिस कारण बहुत से नौकरियों के आवेदन वो लोग नहीं कर पाए और सरकारी नौकरियां लेने से वंचित रह गए। अभी हाल ही में निकली हुई पुलिस भर्ती जो इस महामारी के कारण बहुत समय बाद निकली है, जिसके कारण ऐसे बहुत से युवा जो काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे वो उम्र सीमा लांग गए हैं। हिमुंडा की जमीनों के उपयोग के लिए समिति से मांगी रिपोर्ट। आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को शिमला में प्रदेश आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में बेहतर आवासीय कॉलोनियां बनाने, आवास क्षेत्र में निजी प्रवेश आकर्षित करने और हिमुडा को अपनी भूमि बैंक के बेहतर प्रयोग करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके लिए हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की है। सुरेश भारद्वाज ने निर्देश दिए कि समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे, जिसके आधार पर हिमुडा की जमीनों का उपयोग हो सके। कालाअंब में युवक ने किराए के कमरे में लगाया फंदा, छानबीन में जुटी पुलिस। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब की ग्राम पंचायत मोगीनंद में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रघुवीर पुत्र मोहन सिंह निवासी पंजाहल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रघुवीर सिंह मोशीनंद में किराए के कमरे में रहता था और औद्योगिक क्षेत्र कालाम में एक इकाई में कार्यरत था।
कुल्लू में पुलिस ने चरस के साथ पकड़ा बुजुर्ग, चिट्टे के साथ युवक युवती गिरफ्तार। जिला कुल्लू पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों में चरस और चिट्टा के साथ एक युवती सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पतलीकोल पुलिस थाना की टीम रविवार रात को NH3 पर 15 से 16 मील के पास गश्त पर थे। इस दौरान रेन शेल्टर नजदीक 15 मील ब्रिज के पास एक व्यक्ति की पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली। इस दौरान उससे 1 किलो 12 ग्राम चरस बरामद की गई। एसपी ने कहा कि चरस के साथ पकड़ा गया 59 साल का व्यक्ति मंडी जिला से है। दूसरे मामले में जिला मुख्यालय कुल्लू से करीब 4 किलोमीटर दूर छरुडू के पास 52 ग्राम चिट्टे के साथ एक युवती और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवहन विभाग की लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। 20 बोलों के चलान काट वसूले 3 लाख। पाबंदी के बावजूद हिमाचल में प्रवेश कर रही बाहरी राज्यों की निजी एसी वोल्वो बस ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने स्वारघाट में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। RTO बैरियर स्वारघाट की प्रभारी विद्या देवी व उनकी टीम ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक 20 एसी वोल्वो बसों के चलान कर 3,08,700 रुपये का जुर्माना वसूला है और एक एसी वोल्वो बस को इम्पाउंड किया है। परीक्षाओं का ऐलान कर दिया, अब कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी भी खुलवा दीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं करवाने के ऐलान करने के बाद छात्रों को तैयारी के लिए पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई है। विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष वैभव खरवाल सहित संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने SDM धर्मशाला हरीश गज्जू को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही जिला पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर की सुविधा बहाल करने की मांग उठाई है। ABBP छात्रों का कहना है कि यदि वार्षिक परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं करवानी है तो उससे पहले छात्रों को यह सुविधा देना भी अनिवार्य है। इसके बिना प्रतियोगी परीक्षाओं को करना छात्रों के लिए मुश्किल होगा। किन्नौर में गिरी चट्टानें, कई वाहन फंसे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नाको के पास मलिंग नाले में भूस्खलन हुआ। यहां पर बर्फबारी के बाद सड़क पर चट्टाने गिरने के कारण मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया। HPU शिमला में 18 फरवरी तक छुट्टियां, घरों से पढ़ाएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में तय शेड्यूल के मुताबिक 1 जनवरी से 18 फरवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय PG सेंटर के 32 विभागों, रीजनल सेंटर धर्मशाला और विश्वविद्यालय के अपने शिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था रहेगी। शिक्षक विभाग में नहीं आएंगे, पर वे घर से ही छात्रों को पढ़ाने का काम जारी रखेंगे। खाना बनाते वक्त हीटर से करंट लगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मी की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के पुंगडू गांव में रात का खाना बनाते वक्त हीटर से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 24 घंटे में रघुवंशी के गाने को मिले 1 मिलियन व्यूअर्स। हिमाचल के जाने माने गायक हंसराज रघुवंशी के गाने शिव समा रहे मुझमें ने रिलीज होने के साथ ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। 24 घंटों में रघुवंशी के गाने को 1 मिलियन व्यूअर्स मिल चुके हैं। वहीं यूट्यूब पर यह गाना 6ठे स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने के बोल अधिवक्ता सुमन ठाकुर ने लिखे हैं। बिलासपुर के जमथल गाँव के अधिवक्ता सुमन ठाकुर ने शिव समाए मुझमें को अपने बोल दिए हैं। बीएड काउंसलिंग के लिए आवेदन का खुला पोर्टल। विश्वविद्यालय ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। कोर्स में निजी और सरकारी बीएड संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश परीक्षा देकर इसे पास किया है 6 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक 27 जनवरी तक दूसरा राउंड समाप्त हो जाएगा। मतदान के लिए जरूरी है राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नाम। पंचायत चुनाव में वही मतदाता वोट डाल पाएगा जिसका नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होगा। सूची में नाम ना होने पर मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। इन्हीं के आधार पर मतदाताओं को वोट करने का अधिकार होता है।